HomeoCare, the chain of world-class homeopathy clinics with world-class care. Founded by renowned homeopathic Dr. Praveen Jain, specialized in pediatrics with the aim of providing complete cure from roots through classical homeopathy, restoring the well-being and normal health for all. Child Observation Room is a unique playroom designed for diagnosis of child patients by giving them individual care and attention. HomeoCare is the advanced homeopathy clinic in India. Hello everyone, I am Dr. Trupti, your homeopathic physician. होम्योकेयर अवेयरनेस द्वारे हम लोग ने ब्रेस्ट कैंसर की लक्षणें तो जानी, उसके साथ साथ उसके रिस्क फैक्टर भी जाने, स्टेजेस भी जाने, परंतु इसका इन्वेस्टिगेशन कुछ ना कुछ तो होगा, तो आपको वो जानने के लिए मैंने ये सेकेंड वीडियो बनाया है। उसमें मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट पाथ के बारे में बताया है। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आता होगा, तो ब्रेस्ट कैंसर अर्ली कैसे डिटेक्ट, बिकॉज जितना अर्ली डिटेक्ट हो सकता है उतना क्योर पॉसिबल होता है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांचें करना ज़रूरी है। तो डॉक्टर ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सी जांचें देते हैं? पहले तो ये है कि अल्ट्रासाउंड, दूसरा जांच ये है कि मैमोग्राफी, तीसरा जांच ये है कि MRI। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो आपके डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड के लिए सजेस्ट करते हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर है तो आपके डॉक्टर मैमोग्राफी रेफ़र करते हैं। कोई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्टर डिसाइड करते हैं MRI करना ज़रूरी है कि नहीं है, परंतु हर तरह के कैंसर को MRI रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये तो हुआ इन्वेस्टिगेशन पार्ट। तो आपके मन में ये सवाल आता होगा, तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं एलोपैथी में ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है। पहले तो होता है सर्जरी। जब लंब का साइज छोटा होता है तभी उसको ऑपरेशन द्वारा निकाल दिया जाता है और ब्रेस्ट पूरी तरीके से प्रिजर्व करते हैं, उसको हम लोग लंपेक्टोमी कहते हैं। जब लंब का साइज बड़ा रहता है उन केसेस में ब्रेस्ट पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है, उसको हम लोग मैस्टेक्टोमी कहते हैं। इसके बाद आता है रेडिएशन थेरेपी। तो उसमें क्या होता है कि लंब है वो ऑपरेशन द्वारा हम लोग निकाल देते हैं, परंतु उसके जड़ें अंदर रहती है, तो वो जड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि कीमोथेरेपी। जब भी लंब का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है और सर्जरी द्वारा निकालना पॉसिबल नहीं होता, उन केसेस में कीमोथेरेपी देके ट्यूमर का साइज़ है, लंब का साइज़ है, वो छोटा किया जाता है और उसके बाद सर्जरी की जाती है। कई केसेस में ऐसे देखा गया है कि स्टेज 4 में भी कीमोथेरेपी देते हैं ऑपरेशन के बाद, ताकि सिम्टम्स रिड्यूस हो जाए और क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन्ड हो जाए। उसके बाद आता है हार्मोनल थेरेपी। जैसे कि मैंने बताया कि कहीं कैंसर हार्मोन के इम्बैलेंसमेंट के वजह से होते हैं, उसके लिए एंटी हार्मोनल टैबलेट या फिर इंजेक्शन दे के सिम्टम्स रिड्यूस किए जाते हैं और ट्यूमर की साइज़ रिड्यूस की जाती है, उसके लिए हम लोग हार्मोनल थेरेपी देते हैं। ये तो हुआ एलोपैथिक ट्रीटमेंट पार्ट। तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये ब्रेस्ट कैंसर के बचने से क्या प्रिकॉशन लें, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। पहले तो मैं बताऊँगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, ताकि ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है वो कम हो सकता है। दूसरा है वो ओबेसिटी रिड्यूस करें, बिकॉज ऐसे देखा गया है कि जिनमें 50 साल के बाद भी ओबेसिटी रहती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ जितना हो सके उतना रेडिएशन अवॉइड करिए, हार्मोनल पिल्स लेना अवॉइड करिए, ताकि आप में ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क कम हो सकती है। उसके साथ साथ आप आफ्टर प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करें। जितने समय तक आप ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे उतना आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिटेक्शन होना ज़रूरी है। जितना अर्ली डिटेक्ट होगे उतना कंप्लीट क्योर पॉसिबल है और आप क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन कर सकते हैं। होम्योपैथी से स्टेज 1 में और 2 में ब्रेस्ट कैंसर का कंप्लीट निदान पॉसिबल है। होम्योकेयर में आपको हर तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है, तो ब्रेस्ट कैंसर के भी ट्रीटमेंट हम लोग होम्योकेयर द्वारा देते हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी ब्रेस्ट का कैंसर के बारे में शंका रहेगी, आपको कोई भी लंब आपके ब्रेस्ट में दिखाई देगा, तो हम लोग को कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।